हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियां बड़ी बढ़ गई है तो आजकल आप हीटर का यूज करते होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो हीटर होता है ये एक टेम्परेरी अप्लायंस है, इसे परमानेंट कहीं पर इंस्टॉल नहीं किया जाता। आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, तो अगर यहाँ पर एक सॉकेट लगी है तो यहाँ पर आप हीटर लगा लोगे। ऐसे ही मान लो इस एंड पे कोई सॉकेट लगी हो तो यहाँ पर आप हीटर लगा लेते हो। जैसे ये एक सॉकेट है तो आप इसमें सीधे हीटर की तारें लगाकर कहीं पर भी आप हीटर को लगा लेते हो। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए सोफे पर बैठना है तो उसके नजदीक जो भी सॉकेट होगी वहां पर आप हीटर लगा लोगे, या फिर आप बेड पे बैठे हो तो वहां पर भी आप हीटर इंस्टॉल कर लेते हो। तो दोस्तों, इससे होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि जब हम घर का कनेक्टेड लोड काउंट करते हैं तो उस टाइम हम हीटर को बीच में काउंट नहीं करते, क्योंकि हीटर उस टाइम हमारे घर पे अटैच नहीं होता। ये एक टेम्परेरी अप्लायंस है जिसका हम यूज सिर्फ सर्दियों में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जैसे अब हमने हीटर को अपने घर के लोड में कैलकुलेट नहीं किया है, तो उसी प्रकार से जो हम घर में एमसीबी लगाते हैं उसमें भी हम हीटर को कैलकुलेट नहीं करते। अब जब हम हीटर को लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए इस सॉकेट पे हम हीटर को लगाते हैं, तो अगर इससे जो कनेक्टेड हमारा एमसीबी है अगर उसकी रेटिंग कम होगी और यहां पर हमने हीटर लगा दिया, तो होता क्या है बार बार हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बार बार ट्रिप क्यों करता है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको कोई भी हीटर लगाना है, जैसे कि हीटर की रेटिंग होती है 1000 वाट, 2000 वाट या फिर 3000 वाट, जितने भी रेटिंग का आपने हीटर लगाना है, तो उसके लिए कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाएंगे, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि हमें पॉइंट्स डिसाइड करने चाहिए। सबसे पहले हमें जो भी सॉकेट यूज करनी है, जहां पर हीटर लगाना है वो पावर सॉकेट यूज करनी चाहिए। हम नॉर्मली करते क्या है कि कोई भी सॉकेट मिले, जैसे 5 एम्पीयर की सॉकेट भी हो उसमें हीटर को लगा देते हैं। उससे एक समस्या ये आ जाती है कि जो हमारी सॉकेट होती है, क्योंकि वो कम रेटिंग की होती है, जबकि जो हीटर का लोड होता है वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा करंट कैरी करता है, और जो हमारी सॉकेट की जो रेटिंग है वो 5 एम्पीयर की होती है, जिसके कारण हमारी सॉकेट जल जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि जहां पर भी हमें हीटर लगाना है वहां पर पावर सॉकेट होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ये एक पावर सॉकेट है, इसकी जो कैपेसिटी है ये 16 एम्पीयर है, मतलब ये 16 एम्पीयर तक करंट अपने में से इजिली पास होने देती है। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर भी हीटर लगाएं वहां पर सबसे पहले पावर सॉकेट का यूज करें। अब दोस्तों, दूसरी बात ये आती है कि जहां पर हम पावर सॉकेट का यूज करते हैं उसके लिए हम एक अलग ही सर्किट बनाएं। कि जैसे हम करते क्या है, ये एक रूम है तो इसमें अगर पंखा होगा, ठीक है, लाइट होगी, फैन होगा, ऐसे ही सॉकेट होगी, तो हम इसका एक कॉमन मेन बोर्ड में एमसीबी लगाते हैं, क्योंकि हम एक सर्किट बनाते हैं तो उस प्रकार से एक एमसीबी लगाते हैं। अब इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि मान लीजिए इनके लोड तो आपने कैलकुलेट किया होता है, उसके हिसाब से आपने यहां पर एमसीबी लगाया होता है, बट अगर हम इस सॉकेट में अब हीटर लगाएंगे तो इसका लोड एक्सेस हो जाएगा और हमारा एमसीबी बार बार ट्रिप करता रहेगा। एमसीबी ट्रिप होने से पूरी रूम की लाइट, फैन वगैरह भी बंद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हर रूम में हमें एक एक सॉकेट रखनी चाहिए जो कि पावर सॉकेट हो। जैसे आप देख सकते हैं ये एक पावर सॉकेट है, ऐसी सॉकेट हमें हर रूम में रखनी है। अब हमें करना क्या है, इसका सर्किट हमें अलग बनाना है, मतलब इस सॉकेट के लिए, ये हमारी सॉकेट आ गई, इस सॉकेट के लिए हमें अलग एमसीबी इंस्टॉल करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अलग एमसीबी आ गया। और ऐसे ही जो इस रूम में लाइट्स होंगी, फैंस होगी, इसके लिए हमें अलग सर्किट बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें अलग एमसीबी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो भी पावर सॉकेट होगी उसका अलग सर्किट बनाएं और उसके लिए अलग एमसीबी लगाएं, और इसी पावर सॉकेट में हम हीटर को चलाएं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कि मान लीजिए हम 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तो उसके लिए कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसे निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास पता है जो पावर है वो 1000 वाट है, और जो हमारे घरों पे वोल्टेज आती है वो आती है 210 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और यहां से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 1000 / 210। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 4.76 एम्पीयर। तो दोस्तों अगर हम 1000 वाट के हीटर का यूज करते हैं तो उसके लिए जो ये हीटर है ये करंट लेगा 4.76 एम्पीयर। अब इसी हिसाब से हम एमसीबी लगाएंगे। तो अगर आप इस साइड देखोगे ये पूरी लिस्ट है जो कि एमसीबी अवेलेबल है मार्केट में, तो इस करंट रेटिंग के हिसाब से हमारे पास 1000 वाट के लिए 6 एम्पीयर का एमसीबी लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 1000 वाट के लिए हम 6 एम्पीयर का एमसीबी लगाएंगे।
तो मतलब जैसे ये पावर सॉकेट है तो इसके अक्रॉस हम 6 एम्पीयर का एमसीबी लगा देंगे अगर हम इस सॉकेट में 1000 वाट का हीटर का यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए हमारा जो हीटर है वो 2000 वाट का है, ठीक है जी, और हमारे पास वोल्टेज है आपको पता है फिर से 210 वोल्ट है, तो यहां से हम फिर से करंट निकाल देंगे तो ये हमारे पास आता है 2000 भाग 210। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है दोस्तों 9.52 एम्पीयर, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम फिर से इस लिस्ट में देखें तो हमारे पास एक 10 एम्पीयर का एमसीबी आता है, बट दोस्तों क्योंकि जिस 9.52 लगभग 10 एम्पीयर ही हो गए तो हम ये एमसीबी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस एमसीबी का यूज करेंगे तो ये बार बार ट्रिप करता रहेगा। तो 2000 वाट के हीटर के लिए हम 13 एम्पीयर के एमसीबी का यूज करेंगे। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार से अगर हम इस सॉकेट में 2000 वाट का एमसीबी लगाएंगे तो इसके लिए सॉरी अगर हम इस सॉकेट में 2000 वाट का हीटर लगाएंगे तो इसके अक्रॉस हम 13 एम्पीयर का एमसीबी का यूज करेंगे। अब दोस्तों ऐसे ही मान लीजिए जो हमारे पास हीटर है वो 3000 वाट का हो, ठीक है दोस्तों, तो सेम फिर से हम वैसे ही निकालेंगे करंट को 3000 भाग वोल्टेज हमारे पास सेम है 210 वोल्ट। अब दोस्तों ये जो वैल्यूज है सारी की सारी हमने इस फॉर्मूले में डाली है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 14.28 एम्पीयर, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगर हम फिर से इस लिस्ट में देखेंगे तो 3000 वाट के हीटर के लिए हम 16 एम्पीयर का एमसीबी यूज करेंगे, क्योंकि 14.28 के लिए 16 एम्पीयर का एमसीबी का ही यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि अगर हमारे पास 1000 वाट का हीटर है तो उसके लिए 6 एम्पीयर का एमसीबी का यूज करेंगे, ऐसे ही 2000 वाट का और 3000 वाट का एमसीबी है तो उसके लिए 2000 वाट के लिए हम 13 एम्पीयर के एमसीबी का यूज करेंगे और 3000 वाट के हीटर के लिए हम 16 एम्पीयर के एमसीबी का यूज करेंगे। बट दोस्तों ये ख्याल रहे जो भी सॉकेट में हीटर लगाएंगे उसका सर्किट अलग ही हो, जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये अलग ही सर्किट है, जबकि जो हमारा फैन लाइट का सर्किट है वो अलग है, चाहे दोनों के दोनों एक ही रूम में सर्किट हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी रेटिंग के लिए हीटर अगर आपने लगाना हो तो उसके लिए आप एमसीबी निकाल सकते हो कि कितने एम्पीयर का लगेगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी बिजली का सामान भी खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आप अच्छी क्वालिटी का सामान परचेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।